बुरहानपुर जिले में लगातार चार दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर है और आलम यह है कि बारिश के चलते ग्राम तुकाई थड़ में घरों में पानी भर गया है। लोग घरों से बेघर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के सरपंच सचिव फरार हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी निकासी नहीं होने की वजह से बारिश का पानी घरों में घुस जाता है। सरपंच सचिव का इस और ग्रामीण ध्यान नहीं दे रहे हैं और ग्रामीणों में सरपंच सचिव के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। साथ हमारे साथ बुरहानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी गोपाल जी, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मुस्कान जी। तो ये बुरहानपुर से एक गांव का ताजा मामला सामने आया है जहां लगातार चार दिनों से बारिश हो रही है जिससे जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि वहां की स्थिति क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मुस्कान, बता देना चाहूंगा कि बुरहानपुर जिले का सुपरिपाल ग्राम है जहाँ बारिश के चलते यहाँ पर जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। जी यदि हम बात करें तो यहाँ पर ग्रामीणों के घरों में पानी घुस चुका है जिसके चलते बेघर होने को मजबूर है, जिसके चलते कई बार उन्होंने पूर्व में भी सरपंच और सचिव को जो है इसकी सूचनाएं दी, लेकिन किसी प्रकार से जो है इनके कानों पर जू नहीं रहेगी। अब ग्रामीणों का यह कहना है कि आखिरकार यदि पानी निकासी नहीं होगा तो हम लोगों का जीवन कैसे चलेगा। जिस प्रकार से हमने जिस तरह से तस्वीरें भी दिखाई है कि यहाँ पर लोगों के घरों में पानी है और सड़कों पर भी जो है पानी भरा हुआ, बड़े बड़े गड्ढे है। यदि हम बात करें तो जिस तरह से पानी तो ठीक है, लेकिन यदि अब लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे तो आखिरकार यहाँ महामारी फैलने का भी एक डर रहेगा। जी मुस्कान जी, तो ये तस्वीरों में भी साफ दिख सकता है कि कैसे पूरे इलाके में पानी भर गया है और जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जिम्मेदार भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से, क्योंकि सरपंच और सचिव गाँव से फरार हो गए हैं? निश्चित तौर पर जो जिस तरह से गांव का मामला है, सरपंच और सचिव की बात करें तो यहाँ दोनों ही जो है अब गांव में मौजूद नहीं है, यहाँ से जो है वो फरार है, लापता है। तब यहाँ पर ग्रामीणों के सुनने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि अब हम किसके भरोसे यहाँ पर जो है रहेंगे, अब कौन हमारा यहाँ पर देखभाल करेगा। आखिरकार यहाँ पर आप कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो जिला प्रशासन की टीम वहाँ पहुंचेगी, अब जो है लोगों को मदद के लिए हाथ जो है अब ग्रामीण जो है मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बताया ग्रामीण मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो अभी तक जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है और इनके ऊपर कौन संज्ञान लेगा? जिस तरह से जिला पंचायत सीओ और जनपद का मामला है, खसनार जनपद इसमें होता है, खसनार जनपद के सीओ कटवाल जब यहाँ पर पहुंचेगी और वहाँ पर निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि किस तरह की स्थिति है, अब लोगों को इन स्थितियों से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम करना है, लोगों को वहाँ पर जिस तरह से ग्राम में जो पानी भरा है उसको निकासी कैसे होगी, सफाई कराई जाएगी नालियों की और यहाँ से जो है पानी की निकासी होगी और उसके बाद दवाइयों का कहीं ना कहीं छिड़काव जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अब महामारी का डर भी रहेगा यहाँ पर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए गोपाल जी।